वेलकम टू एवरीवन पूनम वेज किचन। आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू हम किस तरह से बनाएंगे, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी बेसन लेंगे। मैंने लड्डू बनाने के लिए बेसन थोड़ा मोटा लिया है और ये 300 ग्राम है। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपना बेसन डालेंगे। बेसन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है और लगातार चलाते रहना है। ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, ये इस तरह से बनाऊंगी कि मैं बहुत ही जल्द तैयार कर देंगे। कुछ लोग बेसन को घी में भी भूनते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से भी लड्डू बनाकर देखना, स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लगातार नहीं से हिलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखिए इसे छोड़ना बिल्कुल भी। इसे लोहे की कढ़ाई में भी भून सकते हैं, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। बेसन भून जाने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। दाम को मैंने घी में भून लिया था, अब हम इसे दरदरा करेंगे। काजू और बादाम को मैंने दरदरा कर लिया है। बेसन ठंडा होने के बाद अब हम इसे छन्नी में से छान लेंगे। देखो हमने छलनी में से छान लिया है, अब हम इसमें अपना काजू बादाम जो हमने भून के दरदरा पीस लिया था डालेंगे। यहीं पर हम मीठा डालेंगे। मीठे में मैंने बूरा ली है, आप चाहे तो अपने चीनी को भी पीस सकते हैं और खांड भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, हमने एक कटोरी बेसन लिया था तो हम अब एक कटोरी ही मीठा ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे एक बार। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल रही हूँ और घी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एकदम से हमने घी को नहीं डालना। अब हम इसे फिर से मिलाएंगे। हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम अपने लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। सभी लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।